आगे बढ़ते हैं। होली के बाद पीएम का बड़ा चुनावी अभियान, देश भर में 150 रैली और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। दक्षिण भारत में पीएम की 35 से 40 रैलियां, यूपी में पीएम की 15 से ज्यादा रैली और रोड शो। नामांकन के दिन पीएम का काशी में रोड शो। पीएम मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीट का लक्ष्य रखा है, वहीं एनडीए के लिए 400 का, यानी कि टारगेट बड़ा है। जाहिर है बड़े टारगेट को हासिल करने के लिए तूफानी शुरुआत करनी पड़ेगी और तूफानी प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी संभालेंगे। 25 मार्च यानी कि होली के बाद पीएम मोदी देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा करेंगे। चुनावी सभा के साथ साथ पीएम कई रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी देश भर में करीब 150 चुनावी सभा और रोड शो करेंगे। दक्षिण भारत में पीएम मोदी 35 से 40 चुनावी सभा करेंगे। यूपी में पीएम की 15 से ज्यादा रैलियां और रोड शो होंगे। वाराणसी में नामांकन के दिन भी पीएम का रोड शो होगा। यूपी में पीएम की कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा में रैलियां कराने की तैयारी की गई है। असम में पीएम की 1 से 2 रैली होगी। पीएम जहां चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे, वहीं पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी समेत देश भर में रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मिशन 400 को हासिल करने में जुटी हुई है बीजेपी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की एनडीए में वापसी हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण अमित शाह से मिले, मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। आंध्र की 25 सीटों के लिए अमित शाह के घर पर ये बैठक हुई। सूत्रों का दावा है सीट शेयरिंग को लेकर भी इनमें चर्चा हुई है। आंध्र में पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने सभी पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए के कुनबे में पुराने बिछड़े सहयोगियों को शामिल किया जा रहा है। एनडीए छोड़ चुके चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से दोबारा दोस्ती की पहल की गई और बात बनती नजर आ रही है। इसी कवायद के तहत दिल्ली में अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण से अहम मुलाकात की। आज भी बातचीत का दौर चलेगा। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीट और 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने दो स्तर से प्लानिंग की है। पहला, बीजेपी खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरा, वोटों के विभाजन रोकने के लिए राज्यों में क्षेत्रीय दलों से समझौता किया जा रहा है। टीडीपी बीजेपी को 4 लोकसभा और 6 विधानसभा देना चाहती है। बीजेपी 6 लोकसभा और 15 विधानसभा सीटें लेना चाहती है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में टीडीपी और जनसेना पार्टी को साथ लाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं, 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले, आपकी जरूरत ही नहीं इनको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी पंचलाइन भी जारी की, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार पर वार किया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयाँ रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ रोक रहे हैं, इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। इस बीच दिल्ली से आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार महाबल मिश्रा, कुलदीप कुमार, सहीराम पहलवान और सोमनाथ भारती मंच पर मौजूद रहे। पार्टी जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ रही है वहाँ के लिए अलग से कैंपेन लॉन्च करेगी। इसी बीच खबर है कि पंजाब के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 4-5 दिनों में करेगी। बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए महागठबंधन के 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें कांग्रेस को जगह नहीं मिली है। बिहार विधान परिषद के लिए महागठबंधन के 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें आरजेडी से 4 और सीपीआईएमएल के 1 प्रत्याशी शामिल हैं। आरजेडी ने प्रत्याशियों के नामों की जानकारी दी है। महागठबंधन के प्रत्याशियों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रदेश प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और शिवहर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे फैसल अली शामिल हैं, जबकि सीपीआईएमएल से शशि यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। महागठबंधन की सूची में कांग्रेस से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने आरजेडी को समर्थन देने का ऐलान किया है।
एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 11 मार्च है। नामांकन की जांच 12 मार्च और नामांकन वापसी की तारीख 14 मार्च होगी। 21 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन शाम को परिणाम की घोषणा की जाएगी। विधान परिषद की एक सीट पर जीत के लिए विधानसभा के 21 विधायकों के मत होने चाहिए। ऐसे में एनडीए 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 विधायकों के एनडीए में शामिल होने से महागठबंधन में सभी 5 सीटों पर जीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जीत के लिए 105 विधायक होने चाहिए, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के पास 104 विधायक ही हैं। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में जुबानी जंग तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को एक ऑफर दिया तो सियासी हंगामा मच गया। और नितिन जी सोडून द्या भाजपा रा उभे आम्ही महाविकास आघाडीकडून तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही ना, तो त्यावेळेला आग्र्यावर आग्र्यामध्ये औरंगजेबासमोर कधी झुकले नव्हते छत्रपती शिवाजी महाराज, तर यांच्यासमोर झुकणार? आज मी नितिन गडकरींना जाहीर सांगतोय, द्या राजीनामा, द्या, आम्ही तुम्हाला महाविकास आघाडीकडून निवडून आणतो, दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी। उद्धव ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में पीएम समेत बड़े नेताओं के नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन गडकरी का नाम नहीं है। उद्धव के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। ज्या पक्षाचा बँडबाजा वाजला है त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी गडकरीजींसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही ऑफर देणं म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या, असं सांगण्यासारखं आहे।